दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। हिमाचल प्रदेश में पिछले महीने 7 मई से बंद एचआरटीसी की बसें अब फिर से सड़कों पर दौड़ती दिखेंगी। 11 जून को कैबिनेट की बैठक में बसों को चलाने की मंजूरी दे दी गई है। सोमवार से सरकारी और निजी बसें 50% सवारियों के साथ चलेंगी। हालांकि अभी दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा शुरू नहीं की गई है। परिवहन निगम मंडी ने 210 रूटों में से 65 रूटों पर बसें चलाने का फैसला लिया है। मंडी डिपो सह अड्डा प्रभारी कृष्ण चंद ने बताया कि सरकार के निर्देशों के बाद सोमवार से जिला में 65 रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसमें 62 लोकल व 3 लॉन्ग रूट शामिल हैं। परिवहन निगम द्वारा जो भी बसें चलाई जाएंगी उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा ताकि कोरोना वायरस का खतरा पैदा न हो। सोमवार सुबह 6 बजे से बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। हिमाचल सरकार द्वारा जो निर्णय कैबिनेट में लिया गया है बसें चलाने का, उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। दिनांक 14 जून को सुबह 6 बजे से हमारी बसें शुरू होगी और हमारे कुल मंडी क्षेत्र में कुल 210 रूट हैं, जिनमें से आज माननीय क्षेत्रीय प्रबंधक श्री गोपाल शर्मा जी द्वारा एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग में चालक परिचालक के इंचार्ज भी बुलाए गए थे और उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जहाँ जहाँ लोगों को बसों की आवश्यकता है और बसें जरूरी है उनको चलाने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा निर्णय लिया गया है। हमारी मंडी क्षेत्र की 14 तारीख को 65 बसें जो है रूट पे चलेगी, जिनमें से सुबह 5:50 पे मंडी शिमला, 7:45 पे मंडी बद्दी, 1 बजे जंजहड़ी बद्दी, जो सर्विस है उनको चलाने का फैसला लिया गया है और बाकी जो हमारे रूट है उनमें 65 रूट ऐसे हैं जहां लोगों को बसों की सुविधा नहीं है। लोगों को सुविधा देने के लिए ये बसें जो है 14 तारीख से शुरू की जा रही है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।